संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हंगामा हुआ। अभिभाषण पर बहस के दौरान जब सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से राहुल गांधी पर हिंदुओं का अपमान किए जाने को लेकर हो हल्ला मचाया गया, तो उन्होंने जवाब अयोध्या में बीजेपी की हार से दिया। उन्होंने अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद से पूछी गई बातों का हवाला देते हुए कहा कि प्रसाद ने ही मुझे बीजेपी की राम नगरी में हार की सारी वजह बताई। तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, तीन बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अयोध्या की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी ने भय पैदा किया, उनके घर ले लिए, उनकी जमीनें ले ली और फिर गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया, अंदर छोड़ो बाहर तक नहीं बुलाया। तो अयोध्या में जनता ने उन्हें सही मैसेज भेजा। राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक बात और बोली कि तीन बार पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी टेस्ट किया कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े। सर्वे करने वालों ने उनसे कहा कि आप वहां से चुनाव मत लड़िए, क्योंकि वहां की जनता आपको हरा देगी, इसलिए पीएम वाराणसी से लड़ने नहीं गए। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए हिंदू मुस्लिम पर भी मुद्दा उठाया और कहा कि भाजपा का हिंदू से कोई मतलब नहीं है, भाजपा हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, ना आप ठेकेदार हो। जब हिंदू धर्म की बात आई तो हंगामा होना ही था, तब फिर वही हुआ। बीच में पीएम मोदी ने टोकते हुए कहा कि ये हिंदू धर्म का अपमान है। भाषण में राहुल गांधी ने सरकार पर सवालों का बौछार करते हुए सरकार को संभाले तक का मौका नहीं दिया। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर पर सवाल को घेरते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी सवाल पूछे, जिस पर रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करे। अगर कोई अग्निवीर सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाता है तो हम उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए, कई धनराशि उसके परिवार वालों को देते हैं। संसद में राहुल गांधी के इस कड़े तेवर ने बता दिया कि इंडिया गठबंधन इस बार पूरी ताकत के साथ सदन में सरकार का मुकाबला करेगी।